हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। सबसे पहले विशिंग यू ऑल फ्रॉम माय साइड और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप इस साल आपके एग्जाम्स बहुत जल्दी आपके क्रैक हो और इस साल आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है। उसी चीज़ को टारगेट करते हुए, उसी चीज़ को और बेटर करने के लिए हम आपके लिए आज एक नया कंसेप्ट लेकर आए हैं, जो है प्रिंटर्स, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर्स है। इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। कुछ टाइम से जो प्रिंटर वाला पार्ट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहा है, ताकि मतलब एग्जाम में जो आपके एग्जाम में ये प्रिंटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आज समझेंगे, पढ़ेंगे कुछ प्रिंटर्स के बारे में, कुछ उनके टॉपिक के बारे में, क्या कैसे कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ, कैसे कैसे वो चीज़ें चल रही हैं। ओके, ठीक है, तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आज पढ़ने वाले हैं प्रिंटर्स। उससे पहले ठीक है, आई एग्जाम बी के साथ यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। ओके, हमारी आप वेबसाइट पर जाइए, हमारी जो मॉक टेस्ट है उनको दीजिए और चेक कीजिए कि आप कितना प्रिपेयर हैं अपने एग्जाम को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज प्रिंटर, ठीक है, क्या होता है प्रिंटर। प्रिंटर बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस है ना। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस, ऑल्सो इट इज एन आउटपुट डिवाइस। जो भी आप सॉफ्ट कॉपी, एक होती है सॉफ्ट कॉपी, एक होती है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर सेव होते हैं, ठीक है, उनको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और जो ऑन पेपर, पेपर की फॉर्म में जो कंप्यूटर से बाहर निकल के आते हैं, जिस डिवाइस के थ्रू हम उनको बाहर लाते हैं अपने यूज के लिए, वो हमारी हेल्प करता है प्रिंटर, ठीक है। आप सभी ने प्रिंटर्स को देखा होगा, फोटोशॉप की फोटो जो यहाँ पर आप जेरॉक्स कराते हैं, फोटो कॉपी कराते हैं, ठीक है, कई लोगों के घर में भी होगा, ठीक है। तो वो है प्रिंटर, कैसे कैसे क्या काम करता है, क्या इसकी स्पीड होती है, क्या इसका रेजोल्यूशन है, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे पहले इसकी डेफिनेशन, ठीक है। इट इज अ हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस, ओके, दैट इज यूज्ड टू जनरेट हार्डवेयर कॉपी एंड प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसकी हेल्प से आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अ डॉक्यूमेंट कैन बी ऑफ एनी टाइप सच एज टेक्स्ट फाइल, इमेज और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। आप टेक्स्ट फाइल की जो आप इमेजेस है आप उसको निकाल सकते हैं, चाहे वो आपकी फोटोज हो, चाहे वो कंबाइंड भी हो, ठीक है। जैसे अभी हम जिस पर अभी जो हमारे सामने एक स्लाइड है, इसमें फोटोग्राफ्स भी हैं और इसमें टेक्स्ट भी है, तो इसका प्रिंट भी आप प्रिंटर की हेल्प से आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इट एक्सेप्ट इनपुट कमांड बाय द यूजर ऑन अ कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपको कमांड देनी पड़ती है इसके लिए कंप्यूटर की हेल्प से, और उसकी हेल्प से फिर उसके बाद वो प्रिंट जो है उसके प्रिंट आउट जो है वो निकलते हैं, ठीक है। इस तरफ आप देखते हैं ये कुछ 5-6 तरह के आपके सामने प्रिंटर्स हैं, अलग अलग ये जो टाइप है इनके, अलग अलग इनके काम होते हैं। कुछ कलर बेस्ड होते हैं, कुछ सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आज देखने वाले हैं, चलिए और कुछ बात करेंगे, कुछ इसकी स्पीड के बारे में, कुछ इसकी रेजोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। उस चीज की क्वालिटी जो आप निकाल रहे हो, जो आप प्रिंट निकालोगे, उसका क्वालिटी कैसा है, वो साफ है, अच्छा है, या फिर कितना क्लियर आपको चीज उसमें दिख रही है, ठीक है। तो प्रिंटर जो रेजोल्यूशन है वो होता है शार्पनेस ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। जो आप लिख रहे हो वो कितना शार्प है, वो कितना इजिली विजिबल है वो चीज, ठीक है। और एक होती है इसमें इमेजेस ऑन पेपर, ठीक है, इज यूजुअली मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच। तो इमेजेस जो है आपकी, वो आपकी डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच में आती है, और जो आपकी रेजोल्यूशन है, ठीक है, तो यहाँ इसको देख सकते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव प्रिंटर्स प्रोवाइड सफिशियंट रेजोल्यूशन फॉर मोस्ट पर्पस एट 600 डीपी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितना महंगा आपका कंप्यूटर होगा, उतना अच्छा उसका रेजोल्यूशन होगा, चाहे वो इमेज का हो, चाहे वो उसकी स्पीड का हो, ठीक है। फाइन, स्पीड की बात करें, इफ यूजर डज अ लॉट ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग स्पीड इज एन इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। अगर आपकी सपोज किसी की शॉप ही है प्रिंटिंग की, ठीक है, वहां पर आपको फोटोकॉपी कराने गए हैं, तो अगर उसके प्रिंटर में स्पीड ही नहीं होगी तो उसका काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली स्पीड भी जो है वो बहुत मैटर करती है कंप्यूटर के अंदर, और स्पीड जो है बेसिकली वो हम इन 3 चीजों में मेजर करते हैं, ठीक है, सीपीएस, एलपीएम या फिर पीपीएम। सीपीएस को हम सीपीएम भी बोल देते हैं कभी कभी, ये होता हमारा कैरेक्टर पर सेकंड, या फिर कैरेक्टर पर मिनट, ठीक है, लाइंस पर मिनट और पेजेस पर मिनट, ठीक है। तो स्पीड को मेजर करना हो तो आपके पास ये 3 यूनिट है, और आपको उसकी देखना हो कि उसका रेजोल्यूशन क्या है, तो होता है डीपीआई, दैट इज डॉट्स पर इंच, ठीक है। यहां से भी ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रिंटर की टाइप्स की। प्रिंटर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो प्रिंटर जिसका सीधा डायरेक्टली इंपैक्ट पेपर से हो, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट प्रिंटर, और जिसका पेपर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ना हो, दैट इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। मोटा मोटा इसको ऐसे इसको हम समझा सकते हैं, इसको ऐसे हम इसको
पढ़ सकते हैं। ठीक, तो प्रिंटर दो टाइप्स, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। इसके फिर फर्दर टाइप्स होते हैं, डेजी व्हील है, डॉट मैट्रिक्स है, ओके, लाइन प्रिंटर है, यहां पर इंकजेट है, थर्मल है, लेजर है। ठीक है, तो ये फर्दर जो इसकी जिसको आगे हमने डिवाइड किया है इसके बारे में यहां पर अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट अब बात करेंगे इंपैक्ट प्रिंटर्स की। एन इंपैक्ट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी, जिसका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो इंक से, फिर रिबन से, फिर पेपर से, ओके, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट प्रिंटर। अ मेटल और प्लास्टिक हेड स्ट्राइक्स एट द इंक रिबन। इसे काम कैसे करता है, इसे यहां पर वर्किंग के बारे में बताया गया है कि जो मेटल और प्लास्टिक का हेड है वो इंक रिबन पे स्ट्राइक करता है, वेयर बाय द रिबन प्रेस्ड अगेंस्ट द पेपर एंड द डिजायर्ड कैरेक्टर जो है वो पेंट हो जाता है। ठीक है, इसके फर्दर टाइप्स है कुछ, डॉट मैट्रिक्स है, डीजी व्हील है, वॉल प्रिंटर्स है, लाइन प्रिंटर्स है। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स है। फाइन, अब इसके फर्दर इसके बारे में पढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स इट इज अ पार्ट ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर है वो सॉरी प्रिंटर है, ये हमारा वो है। ओके, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो हैमर एंड रिबन की यूज होती है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हैमर और रिबन किसमें यूज होते हैं, तो वो किसमें होता है आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है। ठीक है, इट इज एन इंपैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट्स यूजिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पिंस और वायर्स। इसके अंदर जो चीजें हैं बेसिकली ये पिंस पे काम करता है। ठीक है, पिन होती है इसके अंदर, और कितनी पिंस होती है यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो 9 होंगी या फिर 24 होंगी। ठीक है, या तो 9 का एक सेट होगा या फिर 24 का पिंस का एक सेट होगा जिसके बेस पर ये काम करता है। ठीक है, द पिन स्ट्राइक एट इंक कोटेड रिबन एंड फोर्स कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिबन एंड द पेपर सो दैट ईच पिन मेक्स अ स्मॉल डॉट ऑन द पेपर। ठीक है, ये पेपर के ऊपर स्मॉल स्मॉल जो है वो डॉट्स को बनाता है। ठीक है, और द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डॉट्स फॉर्म्स अ डॉट मैट्रिक्स इमेज। इससे क्या बनती है, डॉट मैट्रिक्स इमेज बनती है, और इसकी जो स्पीड मेजर होती है वो उसकी होती है सीपीएस में, दैट इज कैरेक्टर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। ओल्डेस्ट कंप्यूटर है, हैमर रिबन की इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है, इसके अंदर पिंस यूज होते हैं, या तो 9 होंगे या फिर 24 होंगे, और जिसकी स्पीड है वो मेजर होगी सीपीएस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर का इसका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो इसकी शेप है, ठीक है, जो आपका एक जो डेजी फ्लावर होता है उसकी तरह इसकी शेप होती है, और उसकी इमेज है उसको आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का होता था ये। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर, और जिससे टाइपराइटर काम करते हैं ये उस तरह से काम करता है हमारा। ठीक है, मेन इसमें बात क्या है कि ये सिर्फ टेक्स्ट पर काम करता है। ठीक है, ये सिर्फ लिखने पर काम करता है, ग्राफिक्स या इमेजेस पर ये काम नहीं करता। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो प्रिंटर हमारा सिर्फ टेक्स्ट पर काम करे वो है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, और जो स्पीड है वो मेजर होगी किसमें, सीपीएस के अंदर, इसकी जो स्पीड है वो मेजर होती है, दैट इज कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइन प्रिंटर की। नाम से इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि जो प्रिंटर पूरी की पूरी लाइन को एक बार में प्रिंट कर दे उसको हम बोलते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर प्रिंट्स वन एंटायर लाइन ऑफ अ टेक्स्ट बिफोर एडवांसिंग टू अनदर लाइन। मोस्ट अर्ली लाइन प्रिंटर्स वर इंपैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, और ये भी किसका पार्ट है, इंपैक्ट प्रिंटर का पार्ट है, और जो स्पीड है वो होती है एलपीएम के अंदर। किसके अंदर, एलपीएम के अंदर, क्योंकि ये पूरी पूरी लाइन को करता है एक बार में प्रिंट, तो लाइन पर मिनट, और इससे पहले जो हो रहा था वो करते थे कैरेक्टर्स में। ठीक है, तो उनकी स्पीड थी सीपीएस के अंदर। फाइन, इसकी इमेज है, इसको आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का होता है हमारा लाइन प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब, ये था हमारे नॉन इंपैक्ट, ये थे हमारे इंपैक्ट प्रिंटर, अब आ गए हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इंपैक्ट क्या था कि जो हमारा काम करता है सीधा, जिसका इंपैक्ट पड़े सीधा पेपर पर उस पर कॉन्टैक्ट हो। नॉन इंपैक्ट का पेपर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, इसलिए इनको नॉन इंपैक्ट बोला जाता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स NIPs आर दोज व्हिच डोंट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द पेपर। Non-impact printers are now most common as they are faster and quieter, ठीक है, than impact printers, ठीक है, क्या होता है? Quiet, आवाज भी बहुत कम करते हैं, ठीक है, उनसे तेज भी है, उनसे आवाज कम करते हैं, वो पहले खट 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 ऐसे आवाज करते थे, इनका ऐसा कोई मतलब नहीं करने का, ठीक है, और इसमें कैरेक्टर्स भी आते हैं, इसमें इमेजेस भी आते हैं, लेकिन इसका कोई फिजिकल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पेपर से नहीं होता है। ठीक है, तो वो कैसे काम करता है इसके बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका पार्ट है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, थर्मल क्या होता है, इसका मतलब हीट है ना, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, थर्मल क्या होती है, हीट होती है। ठीक है, तो थर्मल प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेस अ हीटेड थर्मल प्रिंट हेड प्रेस्ड अगेंस्ट द मीडियम टू प्रोड्यूस ब्लैक टेक्स्ट और इमेजेस। अब यहां पर क्या है कि इसके अंदर ना, इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर इंक यूज नहीं होती है। फाइन, ये जिस पेपर पे काम करता है उसी पेपर पर इंक होती है, और इसका काम सिर्फ हीट प्रोड्यूस करना होता है कि उसको स्ट्राइक करेगा, उस पर हीट प्रोड्यूस होगी, और तब जाके चीजें जो है वो प्रिंट होके आती है। ये इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, इसकी थर्मल प्रिंटर की, ये चीपर होते हैं पहली बात तो, इसके अंदर कोई इंक यूज नहीं होती, पेपर इंक इज इनसाइड। ठीक है, पेपर जो इंक है वो पेपर के अंदर ही होती है, और उसमें हीट देते हैं ताकि वो
प्रिंट कर सके, और उस पेपर को क्या बोलते हैं, थर्मोक्रोमिक पेपर उसको बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जो आपके एटीएम मशीन, जब आप जाते हैं एटीएम से पैसे निकालते हैं, आपको जो स्लिप मिलती है, वो स्लिप कई बार आपने देखा होगा कि जब काफी टाइम के बाद उसका जो उसकी जो प्रिंट है, उसकी जो इंक है, वो हट जाती है, सिर्फ आपके पास एक वाइट पेपर रह जाता है। ठीक है, आप मूवीज जाते हैं, ठीक है, मूवी में, ठीक है, अभी तो कुछ अलग तरह के टिकट्स हो गए, ठीक है, पहले क्या होता था, ठीक है, जो प्रिंटिंग वहां पर जो होती थी, वो वाले टिकट है वो भी आपके गायब होते थे। आप जब ट्रेवल करते हैं, जब बस कंडक्टर आपको जो हाथ में जो मशीन होती है उसके, उससे आपको प्रिंट देता है, और उसके भी जो प्रिंट है आपके गायब हो जाते हैं। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये सभी आपके थर्मल प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आई होप आप इस चीज को नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कहां पर होता है, एटीएम में, पॉइंट ऑफ सेल, जहां पर भी आप अगर मॉल गए, मॉल से आप स्लिप निकालते हैं, ठीक है, शॉपिंग करते हैं, ये सभी के अंदर आपका थर्मल प्रिंटर जो है वो यूज होता है। ठीक है, और उसकी जो इंक है वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाती है अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंकजेट प्रिंटर्स। अब अभी एक प्रिंटर आया था डीजीबील, जिसमें लिखा था कि उसमें सिर्फ टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स नहीं होते। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो बहुत अच्छी फोटोज या बहुत अच्छे ग्राफिक्स आपको देता है निकाल के, वो है आपका इंकजेट प्रिंटर्स। ठीक है, एन इंकजेट प्रिंटर इज अ कंप्यूटर पेरिफेरल दैट प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज ऑफ अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये तो सभी कर रहे हैं, और फोटो बाय स्प्रिंग ड्रॉपलेट्स इंक इनटू द पेपर। ठीक है, फोटो के लिए बेसिकली इसका यूज ज्यादा होता है। ठीक है, बिजनेसमैन हो गए, हमारे घरों में, ऑफिस में, ठीक है, तो यहां पर इसको आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रिंटर होता है जो ज्यादातर बेसिकली ग्राफिक के लिए जो है वो बना होता है। ठीक है, फोटोग्राफिक्स के लिए इसके अंदर इंक कार्ट्रिजेस का यूज होता है, और इसकी जो स्पीड है वो पीपीएम में होती है, दैट इज पेजेस पर मिनट के अंदर इसकी जो स्पीड होती है। ओके, और लास्ट है आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है आपका बहुत पॉपुलर और बहुत ही बड़ा प्रिंटर होता है। ठीक है, बेसिकली बहुत अच्छी प्रिंटिंग के लिए, ज्यादा तेज प्रिंटिंग के लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर लेजर्स होती हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से ये क्या करता है, प्रिंटिंग करता है। अ लेजर प्रिंटर इज अ पॉपुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर दैट यूजेस अ नॉन इंपैक्ट फोटोकॉपियर टेक्नोलॉजी वेयर देयर आर नो की स्ट्राइकिंग द पेपर। इसमें कोई भी की पेपर को स्ट्राइक नहीं करेगी। ठीक है, कोई भी की जो है पेपर को स्ट्राइक नहीं करती है इसके अंदर। ठीक है, कॉस्टलीस्ट है, बहुत महंगे होते हैं क्योंकि बहुत अच्छे, बहुत तेज प्रिंट करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है बहुत महंगे होंगे। ठीक है, मेनली यूज्ड फॉर फोटोकॉपीज। ठीक है, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर टोनर या फिर पाउडर कार्ट्रिज जो है वो उसके अंदर यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर पाउडर जो का पहले क्या हो रहा था, हम इंक यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें पाउडर टाइप की कार्ट्रिज होती है वो इसके अंदर यूज होती है। ठीक है, इसको हम माइक्रोस्कोपिक इंक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, माइक्रोस्कोपिक इंक, और जो उसकी स्पीड है वो मेजर होती है पीपीएम में, दैट इज पेजेस पर मिनट में इसकी जो है वो जो स्पीड है वो मेजर होती है। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लेजर प्रिंटर को समझने के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपको प्रिंटर के रेजोल्यूशन की बात करनी है तो आपका आएगा, ठीक है, डीपीआई दैट इज डॉट्स पर इंच। अगर आपको इमेज की बात करनी है, ठीक है, फिर आएगा आपका पीपीआई दैट इज पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, ये उसकी होती है, ये इसकी मेजर करने की इसकी एक वो होती है, ठीक है, यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो कुछ कलर्स हैं आपके, जो आपके डिजिटल मोड के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, जिनको जो ज्यादातर यूज होते हैं वो होते हैं हमारे आरजीबी, ठीक है, और रेड, ग्रीन और ब्लैक। ठीक है, और ये है आपका बेस्ट कलर यूज फॉर प्रिंटिंग। और प्रिंटिंग के लिए अगर आपको कोई कलर यूज करने हो, तब आते हैं आपके सीएमवाई के, दैट इज सियान, ठीक है, मैजेंटा, येलो, और यहां पर जो के है इसका है मतलब है ब्लैक। ठीक है, तो साइन, मेजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक है, सीएमवाई के, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये कंसेप्ट, आपको जो टॉपिक है ये बहुत मतलब अच्छा लगा होगा। आप इसको दोबारा से वीडियो को दोबारा और देखिए, आपकी जो प्रिंटर की जो चीजें हैं, जहां अगर आप कंफ्यूज थे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फर्दर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारी यहाँ पर हमारी जीमेल आईडी, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, आप वेबसाइट पर जाइए, हमारे मॉक टेस्ट को एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट हमारे फ्री हैं, और किसी भी क्वेरी को करने के लिए आप हमें इस के नीचे आप लिख सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, आप कुछ पूछना हो तो। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।